जी बहुत शुक्रिया। और ये बड़े वाजिब है कि जुबान इंसान के माशरती और समाजी जरूरत है, लेकिन जिस तरीके से एक मखसूस किस्म का बयानिया बनाने के लिए इस जुबान का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पे इसके मनफी असरात हमारे माशरे और माशरे की जिंदगी पे मरतब होना शुरू हो जाते हैं। यकीन है इसका एक तारीख पहलू भी मौजूद है। बल्कि मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मैंने वीडियो देखी थी, तुर्की में एक गांव है, वहां पे बाकायदा जो परिंदों की जुबान है सीटी, वो सिखाई जाती है, और उसके बोलने वाले हजारों में वो आपस में उसी में गुफ्तगू करते हैं, सीटियों में उसके लफ्ज नहीं है, और स्कूलों में वो बच्चों को सिखाते हैं निसाब में शामिल। तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प सर मैंने लिया था, आपकी नजर से अगर गुजरा होने तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये बड़े दिलचस्प सर, ऐसा है कि सरबुलंद का जब हम मुताले करते हैं तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने इसको मेरे हाथ आया और मैंने जब इसका पढ़ना शुरू किया, यकीन करें कि इसमें तहजीबी तारीखी और लिसानी इतने खूबसूरत हवाले है और उससे हटके भी है जो सवाल आप इंशाल्लाह आपके सामने आ भी जाएंगे, लेकिन इसको बड़ी मुनज्जम तरीके से आपने तरतीब भी दी हुई है। मसलन इसका जो हिस्से अव्वल है इसमें उमूमी मकाले हैं जो मुख्तलिफ मौजूदात होते हैं, फिर दूसरे हिस्से में सवात और दीन को मखसूस किया गया है, और इसके जो तीसरा हिस्सा है उसमें कोहिस्तान और हजारा में जो जुबानें बोली जाती हैं जो तहजीब और सकाफत है। इसी तरह जो चौथा हिस्सा है वो चित्राल की जुबानों से और तहजीब और सकाफत से मुतालिक है। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 5वां हिस्सा मुकर्रर किया गया है, और छठे में कश्मीर लद्दाख और अफगानिस्तान की जो खितों में जो जुबानें बोली जाती हैं उसको। लेकिन आमतौर पर यह तासुर मौजूद होता है कि कोई भी आप जब अदबी काम करते हैं, खासतौर पर कोई रिसाला निकालते हैं, तो उसमें मुदीरों को बड़े शिकायत रहते हैं कि लोग लिख ही नहीं देते और माली बड़ी परेशानियां दुश्वारियां होती हैं। तो सरबुलंद के हवाले से आपको क्या लगता है कि कहाँ कहाँ पे मुश्किल? जी जैसे आपने मुझे मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जहाँ और इसको मुझसे ज्यादा पढ़ाया मैंने एडिट किया है तो हमारा जो इदारा है इदारा पढ़ाई तालीम और तरक्की या आईटीटी यानी कहते हैं, इसके तहत एक vmountains.com के नाम से हम एक वेब मैगजीन भी चला रहे हैं vmountains का। अब vmountains हम पहाड़ और ये पहाड़ी इलाकों के से मुताल्लिक है। अब किसका हमने वो इंग्लिश और उर्दू दोनों में है, तो इसका हमने जो इंग्लिश उर्दू जरिया उसका नाम सोचा तो उस पहाड़ों पहाड़ सरबुलंद होते हैं तो हमने उसका सरबुलंद नाम रखा। और इसमें आपने चाहे सेंट्रल एशिया ये साउथ एशिया हम रहते हैं तो ये जनूबी एशिया है, इसके ऊपर साउथ एशिया है। अब ये साउथ और सेंट्रल एशिया और जनूबी एशिया के बीच का जो खिता है इसको हम क्रॉस रोड ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया कहते हैं। ये इस रीजन को हाई एशिया भी कहा जाता है, हाई एशिया की या रूम ऑफ द वर्ल्ड बामे दुनिया भी कहा जाता है। और ये हमारे इलाके स्वात हुआ चित्राल गिलगित ये इस हाई एशिया के बिल्कुल दामन में पड़े हैं, ऊपर पामीर है फिर सेंट्रल एशिया के साथ मिलता है। ये खिता अगर हम देखें तो दुनिया में कई ऐसे खिते हैं जिस तरह उफकास का खिता है ये जो बलकाम का या आर्कटिक आर्कटिक जो खिता है कुतुब शिमाली का खिता है वो है या अमेजन का खिता है, जिस तरह वो एक कल्चरल एरिया है इस तरह कल्चरल एरिया ये भी है। लेकिन ये लोगों के नजरों से भूझल है, इसमें इतना जो काम किया है मकामी लोगों ने नहीं किया, बाहर के लोगों ने किया है। अभी हमारा गुजशतर 20 सालों से हम लगे हैं इस इलाके में जो सहाफतें तहजीबें जो रही हैं या हैं अभी उनके बारे में बाहर के जो लोगों ने तो काम किया है वो तो बहुत अच्छा काम है, उसमें खामियां भी हो सकती हैं जो फौरन तक यूरोपियन ने या अमेरिकन ने किया है, लेकिन आया हम क्या कर सकते हैं। तो इस इलाके में आपने देखा कि कुछ मकामी स्कॉलर हैं वो एक अरसे से लगे हुए हैं अपना अपना अपने इलाकों में काम करते हैं, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता,
कि अपना इजहार करें। फिर दूसरा ये है कि हम मुख्तलिफ वादियों में बसने वाली कौमें हैं, हमारे बीच जोग्राफिया हम पूरी तरह जोग्राफिया की है, हमारे बीच पहाड़ खड़े हैं, हमारे बीच इंतजामी वो आदे भी हैं, हालांकि हम सारे दादी लोग दादी से कहा जाता है। आया इनके बीच आप क्या इस तरह एक पुल बना सकते हैं? तो हमने इदारे ने सोचा कि इसके लिए हम एक किताबी ये जरीदा मैगजीन शुरू करते थे, भी माउंटेड तो बड़ा जबरदस्त वो वेब में चलता है, इंटरनेट पर चलता है वेबसाइट, तो हमने इसका एक ये फॉर्म निकाला। इसके लिए हमने दावत मुख्तलिफ स्कॉलर्स को दावत तो एक बड़ी खुशकिस्मत बात यह है कि किसी ने भी एक आदमी की मसरूफियत के अलावा किसी ने भी इनकार नहीं किया। ये बड़े क्योंकि सब चाहते थे कि मेरी बात पहुंचे, मेरा नाका वो हो जाए। हाँ, उन्होंने जो लिखा इसमें जाहिर है हम उन्होंने मुख्तलिफ हवालों में लिखा और उर्दू में हमने रखा, इसलिए कि अंग्रेजी इसका एक दूसरा वर्जन हुआ अंग्रेजी में, मेरे पास मकाले आए हैं हम उसको भी छापने की कोशिश करते हैं। तो फिर ये एडिटिंग मरहला मेरे पास आया तो एडिट कर करके जाहिर है लैंग्वेज हमारी उर्दू तो नहीं है, वो करके फिर उनको वापस करना, फिर चेक दोबारा चेक करना, ये सारा कुछ उन्होंने बड़ा ताउन किया, चाहे वो गिलगित के हो, इसमें एक इंडिया से भी एक मकाला शामिल और एक अफगानिस्तान से भी शामिल है, मतलब मोहम्मद जमान करमानी जो पशाई है अफगानिस्तान में काम करते हैं और गिलगित से आपका जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और शीना स्पीकर है सॉरी गिलगित से नहीं कश्मीर का लदाम का बड़गामी साहब उसका जाहिर बड़गामी उन्होंने भी लिखा है। तो उन्होंने उस इलाके लिखा जमान कलमानी ने वो जाहिर है उर्दू नहीं लिख सकते, उन्होंने पश्तो में लिखा था फिर उर्दू में हमने ट्रांसलेट किया। तो इसमें 33 स्कॉलर ने हिस्सा लिया और 40 मकाले लिखे, कई मतलब दो थे कई स्कॉलर ऐसे उन्होंने दो लिखे, तो 40 मकाले इसमें शामिल है और 33 स्कॉलर ने हिस्सा लिया। और ये मेरा यही ख्याल है कि हमें माशी इसमें बड़ी एडिटिंग कंप्लीट करेंगे, इसको इसका जो डिजाइनिंग ये एडिटिंग है वो सब मैंने किया और पब्लिश करते हैं प्रिंट जाहिर को खर्चा कुछ इदारे हैं जो IPT है उसने सारा बर्दाश्त किया। और फिर इसका एक बड़ा बड़ा चैलेंज ये था कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हो, ये भी मसला था। तो चित्राल में भी कुतुब खानों में मिलते हैं, गिलगित में भी हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी बुक एजेंसी थी अभी है या नहीं पता नहीं, खबर पाता वहाँ भी है, इस्लामाबाद में तो सईद बुक बैंक में है, कराची में है, फिर हर जगह हमने पाकिस्तान के स्वाद में उनको पहुँचा दिए और जिसने पढ़ी है वो वाकई अच्छी तरह तारीफ करते हैं और शायद कई लोगों ने उसको पढ़ी भी नहीं क्योंकि हमें एक तो वो है कि बस मेन स्ट्रीम में जो कुछ हो रहा है या वर्ल्ड कुछ हो रहा है, हमारे यहाँ तो दो चीज़ें बड़ी दिख रही है पॉलिटिक्स और मतलब जिसमें आप देखिए तो लोग ऐसी चीज़ों, लेकिन फिर भी मुझे लाहौर में इसमें सेशन हुए हैं, कराची में हुए हैं, अगर कि मुझे अब भी इसमें कई कमियाँ क्योंकि मैंने किया है इसको आप किसी भी मजीद बेहतर कर सकते हैं, इसमें तारीख है, ये सफाफती और समाजी मकाल तारीख है, जुबानें हैं, सफाफतें हैं, इसमें जग्राफिया है, इसमें लिटरेचर है, ये सारा इसमें इस इलाके का डाला हुआ है। ये एक इब्तदाई कोशिश है और मैं इन स्कॉलर्स का बहुत मशहूर हूँ जिनमें तो यहाँ भी बैठे हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। अच्छी बात यह है कि मतलब एक तो ये भी होता है कि आपको एक बंदा कुछ लिखे अपना मकाला लिखे तो जाहिर है आपसे कुछ पे उसको करना पड़ता है, वो किसी ने डिमांड नहीं किया, रजाकारा लिखा और अब भी इस प्रेस है उसमें अभी लिख रहे थे, उसमें कोई मेरे ख्याल 500 को इन लोगों के।